वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस, और आज है डे 62 और डे 62 का पहला सवाल जो कि सीयूटी 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 62 का पहला सवाल करते हैं और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 आपको गिवन है कि स्टेटमेंट वन में कि इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विथ एन इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपको गिवन है कि वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आपको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है विद इंटरसेप्ट, ठीक है, ओके। बट गाइस आपको यहां पे बोला गया है कि द रिग्रेशन स्लोप व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो ये जो स्लोप है दैट इज बीटा इनटू एक्स, जब हम लोग बीटा इनटू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें ये वाई के वैल्यूज को बताता है, तब हमें ये y के वैल्यूज को बता दें। नहीं गाइस, उसके लिए आपको अल्फा को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी अल्फा प्लस बीटा x विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत है, ठीक है गाइस। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, ये जो स्टेटमेंट वन जो आपको गिवन है ना, स्टेटमेंट वन, तो स्टेटमेंट वन में आपको गिवन है कि एक सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट भी है, ठीक है, इंटरसेप्ट भी है, ओके फाइन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम बीटा और एक्स को इंटू करते हैं दैट इज बीटा इंटू एक्स, ये हमें डायरेक्ट जो है वाई के वैल्यूज को बताता है। नहीं, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडल हमें अल्फा को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और ये मिलके जो हमें y के वैल्यूज को बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन वन जो है बिल्कुल गलत है। सिमिलरली ऑप्शन टू, स्टेटमेंट टू आपको गिवन है कि इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल द रिग्रेशन स्लोप इंडिकेटिंग बाय हाउ मेनी यूनिट y इंक्रीजेस व्हेन अ वन यूनिट इंक्रीज इन x, कैसे बिल्कुल सही है। जैसे एक मॉडल है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन गाइस सही तो होता है कि जब एक यूनिट अगर एक्स को इंक्रीज करेंगे तो जो वाई का जो इंक्रीमेंट होगा, वाई का जो इंक्रीमेंट होगा दैट इज बीटा टाइम्स, ओके। लेट्स से कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है टू यूनिट से, तो कितना यूनिट जो है वाई पे इफेक्ट होगा, सो दैट इज टू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर वन यूनिट अगर एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है तो वन इंटू बीटा, सो दैट इज बीटा यूनिट जो है इंक्रीज होगा वाई पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम स्लोप को दैट इज द रिग्रेशन स्लोप इंडिकेटेड बाय हाउ मेनी यूनिट वाई इंक्रीजेस व्हेन अ वन यूनिट इंक्रीजिंग इन एक्स, ठीक है, वही चीज है। तो ये स्टेटमेंट गाइज बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज वो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बीटा इंटू एक्स इक्वल टू वाई क्वेश्चन में गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडल अल्फा प्लस बीटा वाई एक्स होना चाहिए वाई को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, दैट्स वाई द स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट क्यों? क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वाई का जो इंक्रीमेंट होगा वो बीटा टाइम्स होगा, कब? जब एक्स इक्वल टू वन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो गाइस यहां पे मैं स्टेटमेंट टू करेक्ट क्यों है, क्योंकि सेम रीजन, ओके ओके। मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई करेंटली, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर और या फिर एसएलआर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ, ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन आपके मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है, बट अगर इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो फ्रिक्वेंटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है दैट इज रेपो रेट, ठीक है। गाइस रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है कि जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, तब उस लोन पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाती है, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है।
और गाइस रेपो रेट जो है कॉमनली ठीक है एक बहुत ही प्राइमरी टूल्स है जो यूज होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरे इकोनॉमी में, ठीक है। और गाइस ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। आरबीआई जो है फ्रिक्वेंटली जो है एडजस्ट करता है रेपो रेट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबिलिटी में रखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो गाइस करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा। बैंक रेट गाइस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट बेसिकली जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से, बट ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो इस लोन पे जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाती है तो उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बट गाइस ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और रेपो रेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, ठीक है। सो द बैंक रेट इज मोर ऑफ ए पेनल्टी रेट गाइस और टूल्स फॉर द अदर पर्पस सच एज मैनेजिंग द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, इजंट इट। सो ये भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली सीआरआर, ठीक है। तो गाइस सीआरआर भी जो है नहीं है, क्योंकि सीआरआर क्या होता है कि जो बैंक का गाइस जो टोटल डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स है उसमें से कुछ फ्रैक्शन आपको जो है आरबीआई को देना पड़ता है, ओके, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, ठीक है। गाइस ये भी हेल्प करती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इन दी बैंकिंग सिस्टम, बट ये भी जो फ्रिक्वेंटली जो है यूज नहीं होता है, ठीक है, ओके। सिमिलरली एसएलआर, तो एसएलआर भी गाइस नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेपो रेट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आरबीआई के द्वारा इसको फ्रिक्वेंटली जो है यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस आपका ई होगा, ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको दे दिया हूँ कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है, ठीक है, ओके। मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। आपको गिवन है कि अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव इन द इंटरवल इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई एंड दिस वैल्यू इज बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो गाइस आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या, कॉनकेव, तो गाइस हमें पता है ना कि कॉनकेव क्या होता है, लाइक दिस। और यहाँ पे आप कोई दो सब पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो कॉनकेव में गाइस क्या होता है कि लेट से दिस इज लाइन और दिस इज कर्व, दिस इज कर्व। तो कॉनकेव में क्या होता है कि कर्व इज ग्रेटर देन लाइन ऑलवेज। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में गाइस, ये आपका कॉन्वेक्स था, कोई भी दो पॉइंट को गाइस अब पकड़ो यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये आपका लाइन है, ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है। तो कॉन्वेक्स के कर्व में लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, बट कॉन्केव के केस में लाइन नहीं बल्कि कर्व इज ग्रेटर देन लाइन होता है, ठीक है, कर्व इज ग्रेटर देन लाइन होता है, isn't it? तो गाइस ये आपका क्या कर्व है और ये आपका क्या लाइन है, तो गाइस क्लियरली दिख रहा है कि कर्व इज ग्रेटर देन लाइन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। गाइस दिस इज कॉनकेव ना, तो कॉनकेव में गाइस याद रखना है कि आपका कर्व, दिस इज योर कर्व, दिस पार्ट और दिस पार्ट इज लाइन, तो कर्व इज ग्रेटर देन लाइन इन द कॉनकेव, स्ट्रिक्टली कॉनकेव। तो यहां पे जो आपको चार ऑप्शन गिवन है, सो दिस इज योर कर्व एंड दिस इज योर लाइन, तो कर्व इज ग्रेटर देन लाइन, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कि विच बॉडी इंडिकेट द शेयर ऑफ स्टेट इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर इन इंडिया, ओके। तो चार ऑप्शन आपको गिवन है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन एंड पे कमीशन, ओके। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस कमीशन। क्यों? क्योंकि गाइस
फाइनेंस कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 280 उसको सेटअप किया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका बेसिकली जो काम होता है ना, इसका जो वर्क है फाइनेंस का कमीशन का, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है जो टैक्स है, जो टैक्स है इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ओके, एज वेल एज अमंग द स्टेट देमसेल्फ गाइस। तो एवरी 5 ईयर जो फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है टू मेक रिकमेंड रिगार्डिंग द नेट, रिगार्डिंग द टैक्स बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड द स्टेट एज वेल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। और गाइस अभी का जो लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन, दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, उसका जो पीरियड है दैट पीरियड इज 2021 टू 2026, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। तो इट इज अ टास्क विथ रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल एज अमंग द स्टेट देमसेल्फ। Every 5 years, the Finance Commission is set up to make recommendation regarding the division of the central tax between the union and the state. ठीक है, तो ये tax का guys divisions जो है ना basically Finance Commission के द्वारा किया जाता है union और state के बीच में, ठीक है, तो वही चीज guys यहाँ पे लिखा हुआ है, okay, move to guys question number 30. तो आपको guys यहाँ पे basically given है कि Thorner referred to a colonial investment meant in DAS as the private investment at a public risk, ठीक है। तो गाइस ये जो पर्सन थे थॉर्नर, ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली स्टडी किया था, एनालाइज किया था कि जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो इंडिया पे जो है क्या इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो थॉर्नर बेसिकली इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट हु एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया, ओके। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्टेड हैवली इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। सो हाउएवर गाइस, दिस इन्वेस्टमेंट वर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट बेनिफिटेड द प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी व्हाइल द फाइनेंशियल रिस्क वर बॉर्न बाय द इंडियन पब्लिक्स, इजंट इट। तो ये रेलवे पे गाइस बेसिकली स्टडी किया था कि हाउ द रेलवे इम्पैक्ट द इंडियन पीपल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। तो गाइस ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एनालाइज किया था कि इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया पे और हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हैवली इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, okay, however this investment was structured in a way that benefited the private British company while the financial risk were borne by the Indian publics, okay. So the correct option is C, okay. Okay guys, thank you.